तो आज मैं अपने ओल्ड वैनिटी से न्यू वैनिटी में सामान शिफ्ट करने जा रही हूँ। अब आप देख ही रहे होंगे कि इस वैनिटी में तो कितने ऑर्गेनाइज से सामान रखा हुआ है। अब उसी को हम इस वैनिटी में रखेंगे जिसमें हमें 5 to 6 पाउचेस मिले हैं। अब उसमें कैसे हम रखेंगे, वो कैसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि 2-4 दिन में मेरा ब्राइडल ऑर्डर है, तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं। सो आप अभी देखिएगा कि कितना मेस फैला हुआ है, बहुत सारे सामान तो वहाँ पर भी है। सो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे सारी मशीनरीज पड़ी हुई है, यहाँ पर सारे ब्रशेस हैं, ये ब्रशेस मैंने अभी धोए हुए हैं, तो अभी तो ये सूखे भी नहीं है, स्टिल दिखाने के लिए मैंने रख ही दिया। सो आप देख रहे हो, और इस अब ये वैनिटी तो आपने देखी होगी जिसके अंदर हमें पाउचेस मिले हुए हैं 2, 3, 4, 5 आई थिंक 6 थे या 5 थे, 5 to 6 ही होंगे। और यहाँ पर भी हमें ऑर्गेनाइज तरीके से दिया हुआ है जिसमें ट्रांसपेरेंट। और ये रहा मेरा ओल्ड वैनिटी जिसके 3 पार्ट्स है, 1, 2, 3। तो इसके अंदर तो सारा मेकअप का था, इसके अंदर हेयर एक्सेसरीज थे, हेयर के सामान थे। तो ये मेरा PSE का टेक कवर आई शेडो पैलेट है, पूरे 5,000 का, बहुत ज़्यादा महंगा है। सो अभी मैंने आई शेडो पैलेट एक साथ में रखे हैं। ये रहा मेरा यूरोप गर्ल का पैलेट, वो भी मैं एक साथ रख दूंगी। सो ये रहा मेरा फॉरएवर 52 का ब्लशर पैलेट। सो ये रहा मेरा फॉरएवर 52 का लिपस्टिक पैलेट, यूरोप गर्ल का आईब्रो फिलर एक साथ रहा मेरा, यूरोप गर्ल का कॉन्टोर किट, इसे भी मैं एक साथ ही रखना चाहूँ। सो मेरा एक पाउच रेडी, बहुत सारे सामान मैंने यहाँ इसमें से भी रखे हुए हैं। हाँ ये रहा मेरा 6 पाउच, ये मेरे सारे हेयर एक्सेसरीज के हैं, ये देखिए सारे डेकोरेशन के सामान मैंने, हेयर एक्सटेंशन कर्ल्स वाले, ये सारे मेरे पिंस, टोनर, माइसलर वाटर। सब देख रहे होंगे, ये है मेरा मेकअप स्टूडियो का क्रीम बेस प्रोडक्ट और क्राइलॉन का क्रीम बेस प्रोडक्ट, और ये बहुत अच्छे हैं। फैन, जब हम कोई स्प्रे मारते हैं या फिर कोई चीज़ सूखा कि हमें जल्दी सूखाना है तब हम ये यूज़ करते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। सर सामान जो मैं जल्दी यूज़ नहीं करने वाली हूँ वो मैं इस वैनिटी में रखूँगी, और जो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ मैं इस वैनिटी में रखने वाली हूँ। मेरी दोनों वैनिटीज रेडी हो गई है, इसके अंदर वो प्रोडक्ट है जो मैं ब्राइडल ऑर्डर करने के टाइम पे जो जो लेकर जाने वाली हूँ वो मैंने यहाँ रख दिया है, और जो मैं नहीं लेकर जाने वाली हूँ और जो मेरे लिए उस टाइम पे यूज नहीं होगा उसे मैंने इसमें सेपरेट करके सारी चीज़ें रख दी हैं, ताकि बाद में जब आऊँ और कुछ मुझे लगे तो मैं इसमें डाल सकूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, सो मैं ब्राइडल ऑर्डर के लिए जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। सो आप देख ही चुके हैं इन दोनों वैनिटीज़ की मेरी वीडियो पहले से मैंने अपने इन दोनों वैनिटीज़ की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी हैं। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।